दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आ गए हैं अपने साइड पे हम, और बारिश भी हो रही है, हल्का हल्का भीग गए हैं, थोड़ा बहुत भीजे हैं, तो काम उधर चालू हो गया है, तो काम कर रहे हैं, सारी टीम हमारी काम कर रही है। तो मौसम बढ़िया है तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। तो इस तरह मौसम जब मिल जाता है तो काम में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। गर्मी में ज़्यादा दिक्कत होता है, और बारिश और ठंडी में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, थोड़ा भीजते हैं, यही दिक्कत होता है। तो काम तो करना ही है, बैठना तो है नहीं, सही बारिश हो चाहे जो हो, काम करना पड़ेगा। तो काम हो रहा है उधर, गेट की तरफ काम चल रहा है, थोड़ा पानी वानी रुक जाता है ट्रैक पे, तो उसको निकालना है आज, तो उसको नाली वगैरह बना रहे हैं टीम हमारी, तो उधर ही चल रहे हैं टीम के पास। तो मौसम बहुत बढ़िया है आज। दोस्तों, काम हमारा हो गया है, ये यहाँ पे नाली बना लिए हैं। तो अब मौसम भी बहुत ख़राब होने वाला है, बारिश तो हो रही है सुबह से ही, तो अभी ठीक ठाक है, और बादल छाया हुआ है, ऊपर पूरा काला काला हुआ है। तो अब चलेंगे रूम पे, रूम से निकलेंगे घर पे, थोड़ा जल्दी पहुँच जाएँ घर पे, ताकि बारिश होने वाला है, सुबह भीग गए थे आते वक्त। तो आज शाम के देखते हैं क्या बनाते हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है, मगर बारिश का महीना है तो सोच रहे हैं कि कुछ प्याज का पकौड़ा और शिमला मिर्च का पकौड़ा बनाने के लिए, और चाय बनाएंगे कैसर वाली चाय। तो चलते हैं घर पे, तो आज कुछ नाश्ते में पकौड़ा और कैसर वाली चाय। दोस्तों, काम बंद करके हम आ गए हैं अपने रेस्ट रूम में, ताकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी इधर, तो रेस्ट रूम पे आ गए, बारिश पूरा हो रहा है। कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया, कपड़ा भीग गया था सुबह में, तो पता नहीं कैसे महक रहा है, ताकि धूप हुआ नहीं, सूखा है नहीं सही से। तो चलते हैं, निकलते हैं, अभी मार्केट में रुकना है, थोड़ा जो है सेविंग वेविंग करवाएंगे क्या, कटिंग थोड़ा करवाना है, तो कल समय नहीं मिल पाया था, कल बंदी भी थी, त्यौहार था। तो अब निकलते हैं घर के लिए, फिर थोड़ा सेविंग वेविंग करा के फिर निकलते हैं। तो चाय वाय आज पियेंगे कैसर वाली, तो गए थे माता वैष्णो देवी, वहाँ से लाए हैं कैसर ढेर सारा, तो कैसर की चाय बनाएंगे और पकौड़ा। दोस्तों, घर के लिए हम निकल चुके हैं अब हम, दाढ़ी वाड़ी कटिंग कर लिए, करवा लिए जाके, बारिश फिर होने लगी बहुत तेज, जैसे घर पहुँचे। तो जिम्मी भी हमारी घूम रही है इधर, कैसर वाली चाय बनाएंगे। तो अभी जो है प्याज कटिंग हो रही है इधर, प्याज काटा जा रहा है। जिम्मी बैठ जाओ, चलो बैठो ऊपर, बैठो बैठो बैठ जाओ, फर्जी घूमती हैं बारिश में। तो प्याज व्याज कट जाए तो फिर बनाते हैं प्याज का पकौड़ा। इधर प्याज भी कट गया, इसमें शिमला भी काट लिए हैं। तो बारिश बहुत तेज़ हो गई, पूरा आंगन में पानी पानी हो रहा है। तो चलते हैं, बनाते हैं पकौड़ी और चाय। चाय एक बार बनी थी, मगर फिर से बनाएंगे, ताकि चाय पिएंगे कैसर वाली। तो आगे किचन में इसमें क्या है, मूंगफली, इसमें अजवाइन डाल देना है थोड़ा। तो प्याज को पहले धुल लिया जाएगा, तो उसके बाद बनाएंगे। दोस्तों, प्याज को धुल लिए हैं, ये प्याज को जो इस तरह है इसको इस तरह फोड़ देंगे, यानी कि अलग अलग कर देंगे इसको, इसी तरह जो है ऐसे करके सबको प्याज को अलग कर देंगे। इसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, हम हरी मिर्च नहीं डालेंगे, ताकि इसमें शिमला डालें, हरी मिर्च का स्वाद वैसे ही आएगा। इसमें डाल दिए हैं अजवाइन, इसमें अजवाइन मिला लिए हैं, तो अजवाइन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो हम अजवाइन डाल रहे हैं इसमें। तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, नमक को भी मिला लेंगे। अब इसमें पानी छोड़ेगा, पानी छोड़ेगा इसी में, जो नमक भी डाल दिया है ना, तो पानी छोड़ देगा अब। तो अब इसमें जो है लाल मिर्च डालेंगे,
ये कुटी हुई लाल मिर्च घर की कूट के रखे थे। ज्यादा तीखा मत करना, इनसे लोग खाएंगे ना, इनसे तीखा रहेगा। तीखा रहेगा, खाते हो तीखा? चलिए ठीक है, हल्का तीखा करना बस। तो अभी हरी मिर्च भी हम रखे हैं, ये ताजी हरी मिर्च है, इसको जो है बीच से हम चीरा लगा दिए हैं, हल्का सा छेद कर दिए दगे ना, इसको भी फ्राई करेंगे तेल में, तो इसके साथ ही खाएंगे। इसमें डाल देंगे बेसन, तो जितना जरूरत है उतना ही बेसन डालेंगे। तो उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा अगर चावल का आटा होगा तो चावल का आटा भी डाल देंगे, और कुरकुरा बनेगा एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। नहीं है तो चावल का आटा नहीं है तो हमारे पास कॉर्नफ्लोर है अरारोट, उसको भी डाल देंगे थोड़ा सा एक चम्मच करारा के लिए। हम बेसन डाल के बढ़िया से फेंट ले रहे हैं, और फेंट के 5 मिनट लिए छोड़ देंगे, ताकि जो बेसन है वो हमारा बेसन बढ़िया से सेट हो जाए, फूल जाए। तो उसके बाद जो है फ्राई करेंगे, और समय भी हो गया खाने का, नाश्ता करने का, ऊपर वाला भी बहुत मेहरबान है, टपटप पानी बरस रहा है। तो जो है भजिया हमारा चालू हो गया बनना, तो कढ़ाई में डाल रही हैं, तो हमारा फ्राई पैन भी रेडी हो गया। हम बना लेते हैं चाय, कैसर वाली चाय भी बनाना है, तो इधर वाले प्लेट हम बना लेते हैं, लो इसको उधर रखो। तो ये बना रहे हैं उधर भजिया, जब तक हम बनाते हैं, लाओ लेटर कहाँ है, ये है, हम चाय बना लेते हैं इधर, मिलकर क्या मिलकर दोनों लोग बनाते हैं। चलिए ठीक है, मिलकर ही बनाओ। दोस्तों हम ले लिए दूध, ये घर का दूध है एकदम प्योर, तो प्योर दूध का बनाएंगे एकदम। देखिए मुझे मलाई भी कितना है, एक बार मलाई निकाल चुके हैं। अच्छा मलाई निकल चुका है इसका, तब भी तो मलाई ऐसा लगा है, देखिए लोटा में, मतलब दोबारा है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, तो इसमें डाल देते हैं ताकि साफ हो जाए ना बस। तो प्योर दूध की चाय बनाएंगे और कैसा डाल के पलटो पलटो बनाओ फटाफट, और बारिश भी हो रही है बढ़िया, तो बाहर जाके देखो पहले कितना बाहर हम देखे, बहुत बारिश हो रहा है, दिन भर बारिश में भीजे ही है, इसमें पूरा भर गया है। तो इसमें चीनी उन्नी डाल देते हैं, तो इसमें डालेंगे चीनी, हल्का ही डालेंगे चीनी, ताकि मम्मी जो है शुगर है तो पीती नहीं है चाय। अब उनके लिए लाए हैं हम शुगर फ्री टैबलेट इधर, मगर ये क्या करते हैं, स्वाद नहीं रहता, कहती है स्वाद नहीं रहता है, तो पी लेती है, तो मना करते हैं, अब अभी तो डाल दिए हैं, बाकी मम्मी के लिए अलग निकाल दिए हैं चाय, हम पहले से बना के रखे थे। इधर इधर चाय पत्ती भी डाल रही हो, चाय पत्ती भी, इसमें अदरक भी डालेंगे, कैसर हमारे पास है, कहाँ है ये, इसमें अदरक डालेंगे, कूट के डालते थे अदरक, अब हम जो कद्दूकस करके डालते हैं, ताकि कद्दूकस करके डालने में मजा आता है चाय पीने में, फिर उसका स्वाद पूरा आ जाता है इसमें, ये बारीक रहता है, बारीक रहता है इसमें भी मजा आता है स्वाद, बस हाँ ज़्यादा नहीं, इसमें जो है कैसर डाल दो, ये मेरे पास कैसर है ढेर सारा, डाल दो और डालें, बस ये चला गया कैसर। अब इसमें डालेंगे इलायची, हमारे पास इलायची भी है, इलायची कूट दो, कूट के डाल दो है, तो इसमें जो है चम्मच से थोड़ा चलाएंगे, देख कलर चेंज हो गया कैसर डालने पे, एकदम खुशबू बहुत अच्छी आ रही है कैसर कैसर की, चाय में खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है, सिर्फ इलायची डालना, नहीं इलायची डालना का, सिर्फ 2-3 इलायची कूट दो बस, ये तो हमारी पकौड़ी भी रेडी हो रही है भजिया। इलायची भी डाल दिए इसमें, इलायची गिलास में कूट लिए थे, कूट के डाल दिए, अब इसको निकालो, नहीं चल जाए चाय का स्वाद, अब मजा आएगा खाने में, यानी पीने में, खाने में नहीं, पकौड़ी खाएंगे चाय नहीं, साथ खाने ना। भजिया भी रेडी हो गई, इसको भी निकाल लेते हैं, पूरा तेल छानो, छान रहे ना, तुम डालो, चाय उबल रही है,
अब दोनों लोग लगे हैं इधर पकौड़ी डाल रहे, हम निकाल रहे, इधर चाय उबलने लगी। रुको पेपर इसमें लगा दे। हाँ पेपर लगा दो। चाय देखिए कितनी मस्त बन रही है हमारी। एकदम करारी पकौड़ी बनी है हमारी ये। अभी तो बारिश का नहीं, अभी नहीं चखेंगे, अब सब लोग साथ में अभी बारिश का एंजॉय करेंगे। कह रहे खा के देख लो, अभी बाहर बैठ के बारिश भी हो रही है, साथ में चाय और पकौड़ी और हरी मिर्च साथ में खाएंगे। रेडी हो गया इधर, बाकी और डाल दिए हैं और बचा हुआ भी, तो इधर चाय भी हमारा इधर रेडी हो रहा है। चाय कितनी बढ़िया हमारी पक रही है एकदम, कैसा रोली चाय, ऊपर देखिए पीला पीला लग रहा है, कैसा कैसा पूरा। इसको खूब बढ़िया से पकाएंगे, एकदम पक गई है, अभी इसको और पकाएंगे हम। हमारी सारी भजिया रेडी हो गई, पकौड़ी जो बनाए थे प्याज वाली, तो अब इसमें हम फ्राई करेंगे हरी मिर्च। ये हरी मिर्च है, तो इसको इसी तरह जो है धुल के रखे थे, इसमें चीरा भी लगा लिया हल्का सा, नहीं फट जाएगा तो फिर बहुत तेज तेल की छिट्टी आती है। इसको धीमी आंच पे तो हल्का हल्का इसे फ्राई कर लेंगे। हाँ बंद कर दो, हो गया फ्राई हमारी हरी मिर्च भी। इसको रख देते हैं साइड में। ये एकदम रेडी हो गया हरी मिर्च भी, इसमें डालेंगे सादा नमक। मिर्च फ्राई हो गई, इसमें हरी मिर्च थोड़ा मार देते हैं। क्या पटक रहे हो भाई, गिर गया। इसमें हरी मिर्च में डालेंगे सादा नमक। चाय छान दो फटाफट, चलते खाते हैं। हाँ पांच लोग के लिए निकालो। ये हरी मिर्च हो गई रेडी, नमक का डिब्बा रखते हैं साइड में बंद करके। चलो निकालो फिर चलते हैं, फिर चलते हैं बाहर, फिर खाते हैं पीछे बढ़िया आराम से। चाय एकदम जबरदस्त खुशबू आ रही है ना, कैसे आ रही खुशबू, तो बनाए कैसा क्या, तो बनाए हम ना बनाए हैं इतनी जबरदस्त। हमने चीनी चाय पत्ती कौन डाला? अरे तुम ही डाले हो, तुम ही बनाई हो, तुम्हारा ही नाम रहेगा। यही सब बनाई है, पकौड़ी चाय सब यही बना के दी है, बस अब ठीक है ना। हाँ यही हुआ ना, सब यही बनाई है, सब यही बनाती है, हम तो कुछ नहीं बनाते हैं, तो नहीं ये थोड़ी हम कह रहे हैं कि आप नहीं बनाते, आज मतलब हम बनाए हैं। चाय तुम बनाई है, वो तो सबको पता है। डाला कौन? अरे चाय पत्ती डाल दिया, चाय बन गया क्या है? Okay. मतलब चाय पत्ती सब लोग डाल देते हैं चाय में, जो है पूरा जी डाले चाय पत्ती जी, चीनी डाले ना। तो वही चीज ना हो गया ना, फिर हो गया है। हमारी पकौड़ी और प्याज ले जा रहे हैं, और हम चाय और थोड़ा सा सॉस, ये चिली सॉस है ले जा रहे हैं। और ऐसा हंसने वाली बात ही आ गई थी अभी, बोलो ना बता दो। आज नहीं बताओगी, अब बाद में बताएंगे, किसी दिनों में बताएंगे किस बात पे हम लोग हंस रहे थे। तो चलते हैं बाहर खाते हैं। दोस्तों आ गए खाने के लिए हम लोग, तैयार हो गए हैं, सुशी मम्मी उम्मी खा लेंगे, चाय भी रेडी हो गई है हमारी, और भजिया भी रेडी हो गई है, मिर्चा भी निकालते हैं फिर खाते हैं। और बारिश अभी इस समय रुक गई है, बारिश नहीं हो रहा है अभी। सब लोग खाना चालू कर दिए हैं, ऐसी ऐसी कैसा लग रहा है? अच्छा लगेगा, ताकि बारिश में महीना जो है बढ़िया।
अच्छा है। बहुत जबरदस्त चाय बनी है, केसर और इलायची स्वाद बहुत बढ़िया आ रहा है। अजय चाय पी के बताओ कैसा बना है? कौन बनाया है इससे तुम्हें मतलब नहीं है, तुम पी के बताओ कैसा बना है, फिर बताएं। तो मैं मम्मी बनाई है। अच्छी है, मुझे पता है कौन बनाया। हाँ, अब बताइए, अभी चाय के लिए बात हुई थी ना, अब बताइए इलायची और हर चीज कौन डाला पहले? अरे डाली तुम ही हो, बनाया कौन है? देखो बच्ची बोल दिए ना कि बनाया कौन है, पापा बनाए हैं। रोज हमेशा बनाती है तू। अच्छा बताओ, जब हम कुछ बनाते हैं तो कैसा लगता है खाने, स्वाद अलग हो जाता है ना? मम्मी बनाती तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मम्मी पापा के देख जादू है। तो चाय वाली बात हो रही थी, चाय कौन बनाया, तो अंशी खुद ही बता देगी। मतलब बनी नहीं बनी है। मम्मी के हाथ के बनाया, पापा बनाए हैं? नहीं पापा नहीं बनाए हैं, पापा बनाए। जिनको स्वाद पता है कौन बनाया है, भजिया ये बनाई है, चाय हम बनाए हैं। क्या भजिया और अच्छी बनती भजिया, हम बना देते। एक बार बनाए नहीं थे, हाँ। लोग यहाँ पर चटाई पे बैठ के खा रहे थे, हाँ। चूल्हा पे, तो कितनी अच्छी बनी थी। तो आज वाला कम अच्छी बनी है? हाँ ठीक है, उतना नहीं है। कौन बनाया है आज भजिया? पता नहीं। मम्मी बनाया, उसके बनाया। और कौन बनाएगा? मम्मी है हमारी, तुम्हारी मम्मी है, तो हम हैं, कौन बनाएगा? तीन आदमी से मम्मी भी बनाती है, मेरी दादी मम्मी भी बनाती है, लेकिन दोनों। अबे ये लोग लड़ाई करना चालू कर दिया भाई, सब लोग तो कौन बनाया कौन नहीं, कोई मतलब है नहीं, मतलब है बहुत। सब लोग अब लड़ना चालू कर दिए हैं। खाते जो है, बारिश भी चालू हो गई, ये बारिश होने लगी। भीज रहे, उधर उधर साइड में आओ, उधर ले आओ अपना चेयर उठा के। बारिश होने लगा, इधर बारिश हो रही है, देखिए तो बारिश का एंजॉय है ही है। हरी मिर्च मजा आ रहा खाने में, बाइक में चाय हो जाएगी। चाय बेटा इतना ही मंगाया था, अच्छी है ना, मजेदार चाय है। रहे अभी पकौड़ी और नहीं, अभी कुछ नहीं बनेगा, अभी तो खाओ पकौड़ी में, दाल का दूल्हा बनेगा, दाल का दूल्हे रात में खाने में बनेगा दाल दही। तो पानी तेज हो गया है, बहुत तेज पानी हो गया है, और टीना से आवाज भी आ रही है, देखिए। मजा आ रहा है खाने में, मिर्चा भी मिल गया था। तो चाय नाश्ता हो गया, अभी तो बर्तन सफाई हो रही है, तो रात में खाने के लिए जो है क्या बनाया जाएगा रात में? दाल की दुल्हन, कहीं कहीं दाल को दुल्हा बोलते हैं, कहीं कहीं दाल दुल्हन बोलते हैं, कहीं दाल कहीं कहीं दाल टिकड़ी बोलते हैं, हर जगह का अलग अलग है। तो दाल दुल्हन बोलते हैं, दाल दुल्हा, दाल दुल्हे बोलते हैं, तो आज वही बनेगा। हमारे घर पर सबको पसंद है। तो अभी दोस्तों आ गए फिर से किचन में, हम ये तड़का दे रहे हैं देसी घी का, और इसमें देसी घी, हमको पता नहीं है डिब्बा में घी रखा है, बोल रहे कैसे जान गए देसी घी का तड़का है। अब महक भी रहा देसी घी, और इसमें सफ़ेद कलर का है, वाइट वाइट एकदम घी का, इसमें हरी मिर्च और लहसुन और जीरा डाला गया है। तो अभी घी निकाले थे डिब्बा से, तो हमको पता था घी है घर में, जब घर में घी है तो हमको नहीं पता दाल में घी का तड़का लगेगा, बोल रहे कैसे जान गए। तो दाल की दुल्हन में तो रेडी हो गई है, तो तड़का मारेंगे, तो चलते हैं खाने के लिए। दोस्तों आ गए खाने के लिए, तो काट लिए हैं आम हम, ये आम है दशहरी आम, तो ये दाल की दुल्हन भी रेडी हो गई है इसमें,
तो थोड़ा गल गया है, ताकि हम मार्केट चले गए थे तो ज़्यादा पक गया था ना, सीटली ज़्यादा लग गई है इसमें, पक गया, मज़ेदार है फिलहाल। हरी मिर्च, वाह भाई हरी मिर्च ज़रूरी है, तो जो भजिया साथ में हरी मिर्च रखी तो उसको भी साथ मिलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आए खाने में। मज़ेदार है, ठीक है। अभी हल्का खाना था, भजिया भी खा लिए थे, लेकिन का थोड़ा बहुत जो है दाल गुलेल बन जाएगी, बाकी आम वाम रहेगा चल जाएगा। चलते खा लेते हैं फटाफट।